अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सैफुल्लाह इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर के चैनल से। आज हम बहरिया टाउन कराची के अंदर आने वाले नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई ऑप्शंस रेजिडेंशियल के हवाले से, जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिनमें बहुत पोटेंशियल भी है और एंड यूज़र के लिए वो बहुत ईज हैं उनको बाय करना और उनको ट्रेड करना। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है, उसमें ट्रांजेक्शन को करना और वहाँ से प्रॉफिट गेन करना, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। बहरिया टाउन के अंदर बहरिया टाउन ने बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ दी, आलमोस्ट सारी इंगेज हो चुकी, सारी फिल हो चुकी, अपार्टमेंट से ले के प्रेसेंट 2 के विलाज, 10, 27, 31, 35, ये सब विलाज हम सब जानते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में भी देख चुके हैं। एक तो पिछले 6-8 महीनों में मार्केट बेहतर होने से इनमें एक तो राइजअप अच्छा खासा आ गया, 20-30%, इवन कहीं कहीं 40% तक इनमें इंक्रीमेंट आ गया। सेकेंडली ये कि मैक्सिमम हद तक इंगेज हो गए, बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे अपने यहाँ पे शिफ्ट हुए, कुछ लोगों के अपने विलास थे, कुछ ने परचेज़ किए और बाकी कुछ लोग यहाँ पे रेंट पे शिफ्ट हो गए। जो लोग इस वक्त बहरिया टाउन की मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, कोई विला देख रहे हैं, अपार्टमेंट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा विला, एक अच्छा अपार्टमेंट देखने के लिए प्राइस का कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा राइजअप भी आ गया है और इन्वेंट्री को मैच्योर करना भी एक बहुत बड़ी जॉब है। अब आते हैं नए ऑप्शंस क्या है। ये तो वो प्रॉपर्टी थी जो बिल्ट इन है, ऑलरेडी मौजूद है, जहां आपको लमसम की पेमेंट करनी है और जहां शिफ्ट होना है। एक फ्यूचर प्लानिंग है, या वो लोग जो यहां पे इस चीज़ का वेट कर रहे थे बहरिया टाउन के अंदर कि मार्केट स्टेबल हो जाए, जो उनके इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँ, या यहाँ पर एक लेवल तक की आबादी हो जाए, यहाँ पे गैस आ जाए, यहाँ पे मार्केट्स आ जाएँ, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल ओपन हो जाएँ, सारे बैंक्स ओपन हो जाएँ। आज वो सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं और ये वो लोग, इस मेंटालिटी के लोग जो एक स्टेबल मार्केट में या एक उस वक्त किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या घर का सोचते हैं या फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जो बिल्कुल मार्केट स्टेबल होती है या सारी बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद होती हैं, वो मार्केट हर लिहाज से लीगली हर लिहाज से क्लियर होती है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन का वो एरिया जो हम देखते हैं, जो डेवलप्ड है, जो हर लिहाज से क्लियर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस बहरिया टाउन के अंदर उनके लिए एक मार्केट में ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन क्या मौजूद है कि बहरिया टाउन के अंदर जो अपार्टमेंट्स बहरिया टाउन ने बनाए वो हैंडओवर भी हो गए, कुछ अपार्टमेंट जिनको हम बहरिया हाइट कहते हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फाइनल स्टेजेस पे हैं, फिनिशिंग हो रही है उनकी। इसके अलावा बहरिया टाउन के अंदर जो अपार्टमेंट्स है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट बिल्डर ने लॉन्च किए हैं और ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है, इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने की रीज़न भी यही है कि उनकी डिमांड इतनी है, हर आए दिन हम नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स ने आके बहुत काम किया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और उनकी प्रॉपर सेल और उनकी कंस्ट्रक्शन और उनकी जो टाइम लाइन है उस पर काम हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सलाम स्टेट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसकी मल्टीपल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, पहले दिन से लेके आज तक जो हमने उसका टाइमलाइन डिफ़ाइन की, जो हमने उसकी उसके कमिटमेंट की, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी इसी तरह चल रहे होंगे, थोड़ा बहुत टाइम की वेरिएशन कहीं हो सकती है, थोड़ी बहुत कहीं चूँकि बीच में क्राइसिस भी आए हैं, कहीं बहरिया टाउन की पॉलिसी का इशू आया, कभी गवर्नमेंट की तरफ से इशू आया, कभी कोरोना का इशू आया, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती, बट ऐसा कोई ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया, खुदा ना खास्ता कि किसी बिल्डर की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो। तो ये जो पोटेंशियल है इस वक्त मार्केट में एंड यूज़र की डिमांड और इस मार्केट में फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर फोरकास्ट, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। अब इन नए प्रोजेक्ट्स का लॉन्च होने का अल्टीमेटली फ़ायदा एंड यूज़र को है, एंड यूज़र को इसका फ़ायदा दो तीन सेंस में हो सकता है। नंबर वन, आपके पास प्राइस वेरिएशन बहुत है। नंबर टू, आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। नंबर थ्री, आपके पास लोकेशन की वेरिएशन बहुत सारी हैं। अगर इससे पहले हम बात करें, एक साल 6 महीने पहले की, तो सिर्फ दो ही नाम थे, अबुल कासिम नाम था और डोमिनियम नाम था, जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए, तो डेफ़िनेटली अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे तो उनमें तीन इस तरह के ऑप्शन जो हमने डिस्कस की, प्राइस वाइज भी, लोकेशन वाइज भी, वैरायटी वाइज भी और फिनिशिंग क्वालिटी वाइज भी, वो मौजूद है। जैसा कि इस्लाम स्टेट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह यूबिन रेजिडेंशियल के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया,
इसी तरह और बहुत सारे हमारे मार्केट के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, उनकी लोकेशन भी मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, प्राइसेस भी वेरी करते हैं, फिर उनके जो फिनिशिंग क्वालिटी है, फिर अपार्टमेंट्स के अंदर जो कवर्ड एरिया के साइजेस हैं, ये सारी वो ऑप्शंस हैं, ये वो सारी पोटेंशियल्स हैं जिसका अल्टीमेटली हमारे एंड यूज़र को फ़ायदा है। और इनफैक्ट ये जो मार्केट में ऑप्शन आई हैं ये एंड यूज़र की डिमांड पे आई हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पे आई हैं। मैं सारे उन दोस्तों को दावा देता हूँ जो इस टाइम का, इस तरह की ऑप्शन का, इस तरह की प्लानिंग का वेट कर रहे थे, वो प्लीज़ मार्केट में आएँ, इन प्रोजेक्ट्स को स्टडी करें और आपको जिस तरह की डिमांड है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको उसी तरह का यहाँ पे प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, उसी तरह की आपको इन्वेंट्री भी मिल जाएगी। और आज टाइम है, आज इस टाइम को, आज इस पोटेंशियल को आप इसको अवेल कीजिएगा और ये फ्यूचर के लिए आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग होगी। हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम बहरिया टाउन के अंदर हर तरह की अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रब्ते में रहिएगा। थैंक यू सो मच।